गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, हमने यह जाना था कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी, यानी कि अल्टरनेट करंट, जिसे आप हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और दूसरी होती है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसे आप दिष्टकारी धारा बोलते हैं। तो बच्चों, हमने कल डीसी के बारे में जानकारी ले ली थी। हमने पढ़ा था कि डीसी तीन तरह की होती है, एक प्योर डीसी, एक वेरिएबल डीसी और एक पल्सेटिंग डीसी। बच्चों, हमने डीसी करंट के बारे में क्या जाना था? तो डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा, ऐसी धारा होती है जिसका मान यानी कि एम्पलीट्यूड और दिशा दोनों स्थिर बनी हुई होती है। ये मैं प्योर डीसी की बात कर रहा हूं, इसके मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एसी वेव फॉर्म के बारे में समझेंगे, यानी कि अल्टरनेट करंट। अब अल्टरनेट करंट की जो वेव फॉर्म होती है, हम उसको जरा यहां समझेंगे। तो हमारे यहां पर दो डायग्राम दिख रहे हैं बच्चों, बोर्ड पे आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं। पहला ये है, ये साइन वेव कहलाता है। ये कौन सा वेव कहलाता है? ये साइन वेव कहलाता है। और दूसरा है जो स्क्वायर वेव। ठीक बच्चों, ये जो जनरेटर होते हैं ना, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, इनको आपने काफी सुना होगा। आपके घर गांव में भी एसी जनरेटर अल्टरनेटर होंगे। उसका जो आर्मेचर होता है बच्चों, तो आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूज होता है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट को बहने में क्या होता है, सहायक होता है, या वही जवाबदार होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही वोल्टेज। यानी कि ईएमएफ किसी भी धारा को बहने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये जो अल्टरनेटर और जनरेटर में जो करंट बनती है, यानी कि जो अल्टरनेट करंट बनती है, वो किस प्रकार की होती है? वो साइनसोइडल होती है, साइन वेव। और आप हमेशा से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि अल्टरनेट करंट का जो वेव फॉर्म होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना बच्चों, जिसका हम यूटिलिटी करते हैं, ठीक ना, यूज करते हैं, वो जो बन के आती है वेव फॉर्म, वो साइनसोइडल वेव फॉर्म कुछ इस तरह से होती है। तो हमने कल पढ़ा भी था कि जो अल्टरनेट करंट होता है, वो क्या करता है, मतलब ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या रहते हैं, वैरी करते रहते हैं, इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना, तो जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ वैरी करे, तो वो कौन सी धारा कहलाती है? वो एसी धारा कहलाती है, यानी अल्टरनेट करंट कहलाती है। अब हम यहां पर हमने पढ़ा कि ये जो वेव फॉर्म है, तो एसी की वेव फॉर्म सिर्फ इस तरह की बस नहीं होती बच्चों, एसी की वेव फॉर्म और भी दूसरे तरह से होती है। जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा जो होती है कि उसका मान और उसकी दिशा बदलते रहना चाहिए। स्क्वायर वेव में भी देखिए, इसके मान में परिवर्तन हो रहा है ना, इसके मान में परिवर्तन हो रहा है और इसकी दिशा पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ हो रही है। तो मतलब ये वेव फॉर्म भी क्या है, साइन, ये वेव फॉर्म भी एसी की वेव फॉर्म है। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा की वेव फॉर्म है। मगर यह जो है, ये साइन वेव जो होता है, ये हमें कहां से मिलता है? अल्टरनेटर और जनरेटर, एसी जनरेटर से हमें इस तरह का वेवफॉर्म प्लॉट होता है, यानी मिलता है। और जो स्क्वायर वेवफॉर्म होते हैं, वो कहां से प्राप्त होते हैं? वो ऑसिलेटर से मिलते हैं, दोलित्र से हमको मिलते हैं। इसकी इमेज आपको दिख भी रही होगी, ठीक है ना, आपको स्क्रीन पर इसकी इमेज दिखेगी, ऑसिलेटर, दोलित्र, जो जिससे हमें क्या मिलते हैं, ये स्क्वायर वेवफॉर्म मिलते हैं। अब इसी तरह से दो और भी वेवफॉर्म होते हैं, ट्रायंगुलर और सॉटूथ, हम इसके बारे में भी समझते हैं। बच्चों, जिस तरह से अभी हमने अल्टरनेट करंट की दो तरह की वेवफॉर्म देखी, एक साइन वेव और दूसरी स्क्वायर वेव, उसी तरह से अल्टरनेट करंट की दो और भी वेवफॉर्म होती हैं। एक होती है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और दूसरी होती है सॉटूथ वेवफॉर्म। बच्चों, यहां पर आपको बोर्ड में दोनों की वेवफॉर्म दिख रही होंगी। ये दोनों वेवफॉर्म में भी आप देखिए
कि ये जो है समय के साथ अपने मान और दिशा दोनों में परिवर्तन कर रही है, तो इसलिए यह एसी की इवेंट फॉर्म होती है। और यह शॉर्टिंग इवेंट फॉर्म में देखिए, यह समय के साथ अपने मान और यानी एम्पलीट्यूड और दिशा दोनों में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रही है। तो यह वेबफॉर्म भी एसी की वेबफॉर्म है। दिशा का यहां सेंसियन है, तो कभी यह पॉजिटिव में होती है तो कभी निगेटिव में होती है। जिस तरह से साइन वेव को आप पढ़ते चले आए हैं, कभी वह पॉजिटिव में होती है तो कभी निगेटिव में होती है। तो बच्चों यहां पर उसी तरह से यह ट्रायंगुलर वेबफॉर्म भी होती है, जो कभी पॉजिटिव में वेबफॉर्म प्लॉट होती है तो कभी निगेटिव में होती है। इसी तरह से शॉर्टवेव वेबफॉर्म भी कभी पॉजिटिव में तो कभी निगेटिव में होती है। तो यह वेबफॉर्म भी यह अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की वेबफॉर्म है। तो हमें यहां से यह पता चलता है कि एसी करंट की चार तरह से वेबफॉर्म बनती है, एक साइन वेव, दूसरा है स्क्वायर वेव, तीसरा है ट्राइंगुलर वेव, चौथा है शॉर्टवेव वेव। ठीक है बच्चों, अब हमने पढ़ा कि जो साइन वेव होता है वो कहां से मिलती है, अल्टरनेटर और जनरेटर यानी एसी जनरेटर के आर्मेचर से हमको क्या मिलता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और वहां से हमको जो है तो एसी करंट मिलती है, और उसी एसी करंट से हमें साइन वेव मिलती है, उस स्वभाव की एसी करंट मिलती है, साइन वेव स्वभाव की मिलती है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो साइन वेव मिलती है हमें वो मिलती है अल्टरनेटर और एसी जनरेटर से, और जो स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, शॉर्टवेव वेव होती है ये हमको मिलती है किससे, ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर यानी कि दोलित्र, आपकी स्क्रीन पे इसकी पिक्चर या इमेज दिख रही होगी बच्चों। तो हमें यहां से यह जानकारी मिली कि साइन वेव, एसी की साइन वेव चार तरह की होती है। एक एसी की वेव फॉर्म चार तरह की होती है, एक साइन वेव, दूसरा स्क्वायर वेव, तीसरा ट्राइंगुलर और चौथा शॉर्टवेव वेव। आशा करता हूं यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक ना बच्चों, आज के लिए बस यही तक।